रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र स्थित अस्पताल चौराहे में एक दिन पूर्व हुई चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। इस पूरी वारदात को लेकर अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के अस्पताल चौराहे पर एक दिन पूर्व देर शाम तीन युवकों ने एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया था। इस दौरान ऑटो चालक के पांव में चाकू लगी थी, जिसे उपचार के लिए तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों में जावेद खान उर्फ छोटू निवासी निपनिया और अनीस अंसारी शामिल है, जबकि तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। वारदात के पीछे की वजह मामूली विवाद बताया गया है। थाना क्षेत्र से ही हमने वहीं से उनको गिरफ्तार किया है, अर्जुन नगर से, और कल इन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से लगातार इनकी पुलिस तलाश कर रही थी, दस्तयाब हो गए थे, इन्हें न्यायालय पेश कर दिया। अस्पताल चौराहे की घटना थी, कल रात की घटना थी। तीन आरोपी थे, दो गिरफ्तार हो गए।